नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। मेरी आशिकी की ईशानी की फिल्मों में एंट्री। बीड़ी सुलगाती अब ईशानी आएंगी बड़े पर्दे पर नजर। यकीनन कलर्स के हिट टीवी शो मेरी आशिकी तुमसे ही की ईशानी यानी कि राधिका मदान को आप भूले तो नहीं होंगे। इससे गायब टीवी की इस हिट एक्ट्रेस की एंट्री अब बॉलीवुड में होने जा रही है। खबर मिली है राधिका जाने माने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा में लीड रोल में नजर आएंगी। कुछ दिन पहले राधिका ने इस फिल्म से अपने लुक को शेयर किया है जिसमें वो अपने रियल लुक से बिल्कुल हटकर नजर आ रही हैं। तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। इन तस्वीरों में राधिका को गांव की लड़की के लुक में बीड़ी सुलगाते हुए देखा जा सकता है। फिल्म पटाखा में राधिका का लुक डी ग्लैम होगा। बता दें, दिल्ली की रहने वाली राधिका मेरी आशिकी तुमसे ही सीरियल के बाद एक डांस रियलिटी शो में भी नजर आई थी और अब इसके बाद अब वो कदम रखने जा रही हैं बॉलीवुड में। उनकी डेब्यू फिल्म पटाखा का पहला पोस्टर भी जारी हो गया है। पटाखा नाम की इस फिल्म के जारी हुए पोस्टर में दो बहनों की कहानी को दर्शाया गया है, लेकिन पोस्टर के मुताबिक फिल्म की कहानी दो बहनों के प्यार से ज्यादा तकरार पर बेस नजर आ रही है। इस फिल्म में राधिका के साथ दंगल फिल्म में बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली सानिया मल्होत्रा भी नजर आएंगी। फिल्म दंगल में आमिर की बेटी का किरदार अदा करने वाली सानिया पटाखा फिल्म में मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म में सानिया भी राधिका की तरह ही गांव की लड़की के लुक में होंगी। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, छोटे पर्दे की इस आशिकी गर्ल का जादू बड़े पर्दे पर दर्शकों को कितना लुभाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।